नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। काबुल एयरपोर्ट के पास आत्मघाती हमला, 7 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सोमवार को एक आत्मघाती कार बम हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यह हमला पूर्वी गेट के समीप हुआ है। अफगानिस्तान सरकार ने धमाके की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। शुरुआती जांच के बाद ऐसा लग रहा है कि हमला विदेशी सैन्य टुकड़ी के काफिले को निशाना बनाकर किया गया था। आतंकवाद, उग्रवाद और माओवाद पूरी दुनिया के लिए चुनौती, राजनाथ सिंह ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, उग्रवाद और माओवाद को दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए सोमवार को कहा कि भारत ने इन समस्याओं पर काफी हद तक काबू पा लिया है। सिंह सोमवार को लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के भवन की आधारशिला रख रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और माओवादी हिंसा से पूरी दुनिया त्रस्त है। ये तीनों ही मानवता के लिए चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन में कई देशों के युवा भर्ती हो रहे हैं, लेकिन भारत में उसे कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। ISIS को लेकर भारत सतर्क है। बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ को बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर में हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज से कहा कि हमें यूरोप के नेताओं की तरह यूं ही मिलते रहना चाहिए। इस पर शरीफ ने हामी भी भरी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी और नवाज को एक मीटिंग के लिए मार्च में बुलाया है। खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान आगे भी गर्मजोशी के साथ मिलने के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिका में बाढ़ और तूफान से 43 लोगों की मौत। अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य पश्चिमी राज्य में आई बाढ़ और तूफान से कम 43 लोगों की मौत हो गई तथा कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। मिसौरी और न्यू मैक्सिको राज्य के गवर्नरों ने खराब मौसम और खतरे को देखते हुए राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी है। मिसौरी और इलिनॉयस में बाढ़ की वजह से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि टेक्सास प्रांत के डलास में इस सप्ताह आए तूफान में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। गार्लैंड शहर में 8 लोगों की मौत हुई है तथा राजमार्ग पर आवागमन बंद है। पूर्व फुटबॉलर पैकेको की गोली मारकर हत्या। सल्वाडोर फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी अल्फ्रेडो पैकेको की अज्ञात हमलावरों ने रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी। सल्वाडोर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 33 वर्षीय पैकेको एक पेट्रोल स्टेशन पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, जब यह घटना हुई। इस घटना में डिफेंडर पैकेको की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दो घायल हो गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।